आरपी शर्मा और मैं सोरायसिस से 2012 से सफ़र था। बहुत सारी जगह इलाज कराने के बाद मैं जब बहुत थक गया तब एक दिन मैंने यूट्यूब पे डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी का एक उसका पेशेंट का इंटरव्यू देखा जो गुड़गांव के रहने वाले थे। तब मुझे थोड़ी सी आशा लगी कि शायद मेरा कुछ यहाँ पे भी इलाज हो सकता है बीमारी का। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो इस बीमारी से मेरी तरह से पीड़ित हैं एक बार आकर के डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी हैं उनसे कंसल्ट करें और जैसे मैं ठीक हुआ हूँ वो भी लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। मैं आरपी शर्मा, मैं शाहदरा दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं सोरायसिस से 2012 से सफ़र था। मेरी बॉडी पे इतने ज़्यादा रैशेज थे और मैंने एलोपैथिक और आयुर्वेदिक होम्योपैथी भी कुछ मेडिसिंस लीं, कई जगह से मैंने मेडिसिंस लीं लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। यहाँ तक कि मेरी जो एलोपैथिक में ट्रीटमेंट कराया था मेरी उसकी बायोप्सी करके भी उन्होंने देखा कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। इतनी महंगी महंगी क्रीम्स मैंने स्टेरॉइड वाली, मुझे बाद में पता चला जब मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी के क्लिनिक में आया तब मुझे पता चला कि ये जो मैंने क्रीम्स यूज करी थी तो स्टेरॉइड की थी जो कि बहुत हार्मफुल थी बॉडी के लिए। बहुत सारी जगह इलाज कराने के बाद मैं जब बहुत थक गया तब एक दिन मैंने यूट्यूब पे डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी का एक उसका पेशेंट का इंटरव्यू देखा जो गुड़गांव के रहने वाले थे। तब मुझे थोड़ी सी आशा लगी कि शायद मेरा कुछ यहाँ पे भी इलाज हो सकता है बीमारी का। फिर मैं करीब 5-6 महीने पहले मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी का क्लिनिक है जो वहाँ मैं जा कर के मिला और वहाँ मैंने पूरी अपनी हिस्ट्री बताई, पूरा मेरा बॉडी की जहाँ पे रैशेज थे पूरी पिक्स को उन्होंने एनालाइज़ किया, देखा और उसके बाद फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू करा। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद में जो मेडिसिन मुझे दी गई थी 2 महीने बाद तो मेरे पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रैशेज हो गए थे। तो मैं एक तरह से और घबरा गया था कि मैं तो आया था इलाज के लिए और मेरी परेशानी और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। फिर मैंने यहाँ विजिट किया, विजिट करने के बाद फिर मैंने कंसल्ट किया उनसे। तब उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि ये बीमारी थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो मैंने मैडम से कहा, मैंने कहा मैडम मेरी पहले की पिक देखें, रब की पिक देखें तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मुझे तो डर लगने लगा है कि मैं कैसे ठीक हो पाऊँगा। साथ ही साथ मेरी एक प्रॉब्लम और भी थी कि मुझे अगस्त 2021 में हेपेटाइटिस बी से मैं पीड़ित हो गया और साथ में मुझे जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये सारी डिटेल्स, सारी रिपोर्ट्स मैंने डॉक्टर को दिखाई और दिखाने के बाद में फिर उन्होंने मेरी मेडिसिन शुरू करी। तो फोर्थ मंथ में जा करके फिर मुझे रिलीफ होना शुरू हुआ और आज नवंबर से लेकर के आज मई शुरू हो गई है तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 0.01% कहीं कुछ थोड़ा बहुत है, बाकी मैं 100% ठीक हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई मेरी जो मुझे पहले कॉन्स्टिपेशन भी रहती थी उसमें भी बहुत रिलीफ है और सोरायसिस जो मेरी सर से हेड से लेकर के नेल तक थी बहुत परेशान था मैं। और मैं सबसे पहले तो थैंक्स टू गॉड, उस परमात्मा की दया मेहर से, क्योंकि परमात्मा की दया मेहर से ही दवाई भी काम करती है। और फ्री क्लिनिक में जो ट्रीटमेंट किया और जो उन्होंने मेडिसिन दी है, जो मुझे परहेज बताए थे वो मैंने पूरे फॉलो किए, खाने पीने का और जो लाइफ स्टाइल थी वो भी चेंज करी। ये सारी चीज़ें करने के बाद में आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। अब मैं फील करता हूँ कि शायद मेरी दोबारा ये नहीं होगी। थोड़ा सा एक और मैं कहना चाहूँगा कि जो इस क्लिनिक में जो डॉक्टर साहब ने जो कुछ परहेज बताए थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताई थी, जैसे कि नॉन वेज नहीं लेना है, खट्टी चीज़ें हैं और दूध से बनी चीज़ें हैं, उन सबको मेंटेन कर, मतलब उनको नहीं खाना है। परमात्मा की दया से यह है कि मैं पहले से ही प्योर वेजिटेरियन हूँ, किसी तरह का कोई स्मोकिंग नहीं, अल्कोहल नहीं, कोई नॉन वेज का हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी मुझे ये बीमारी लगी थी, लेकिन ये था कि इससे मुझे एक स्ट्रेस और ज़्यादा हो गया था कि शायद मैं अब ये बीमारी से ठीक नहीं हो पाऊँगा। लेकिन अब मैं फील करता हूँ कि यहाँ ट्रीटमेंट कराने के बाद में कि ये बीमारी क्यूरेबल है। मैं जहाँ भी गया मैंने बहुत सारे स्किन के स्पेशलिस्ट को दिखाया, सब ये कहते थे कि ये कुछ टाइम मत कंट्रोल रहेगी लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन मैंने यहाँ फील किया है कि ये बिल्कुल ठीक हो सकती है और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो इस बीमारी से मेरी तरह से पीड़ित हैं एक बार आकर के डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी हैं उनसे कंसल्ट करें और जैसे मैं ठीक हुआ हूँ वो भी लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।